सन 1976 का जब दौर आया तब यहाँ पर इमरजेंसी जब घोषित हुई थी तब इस खजाने को तलाशा गया। तलाशने के बाद इस खजाने को बाहर तो निकाला गया मगर डिक्लेयर नहीं किया, कि बताया गया कि खजाना मिला ही नहीं, तलाशा गया। पर बताते हैं कि 60 ट्रक सोना निकला था जो डिक्लेयर नहीं हुआ। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब अपन जा रहे हैं जयगढ़ किले को देखने के लिए। अभी तक अपन ने नारगढ़ किले को कवर किया है, यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर का वे जयगढ़ का, वहाँ जाएंगे जयगढ़ किले को देखेंगे। वहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप भी रखी हुई है जिसकी मारक क्षमता 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाएंगे उसको देखेंगे कैसी है क्या है। चलते फटाफट से एक बार जयगढ़ किले के लिए। इसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये फोर्ट बनाया है। ओके, वो जो बनी हुई है पहाड़ के रास्ते में, हाँ, सारा इसका 12 किलोमीटर एरिया कवर करता था वो सारी ठेठ, वहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी बनी हुई जो भी है। तो ये नीचे पूरा कवर रखती थी आमेर पैलेस को, और वहाँ पे जो सोल्जर्स रहते थे वो ढोल नगाड़े बजाते, तो जैसे ढोल नगाड़े बढ़ते हैं यहाँ के 13,000 जो सैनिक होते थे वो नजर रखते। अच्छा, तो कि कोई आया है सामने से यल। तो जैसे ये होल बनाएंगे इसमें आप देखोगे तो ये दूर का दिखाएगा आपको, हाँ। ये वाला होल से देखोगे ये पास का दिखाएगा। तो उस जमाने की दूरबीन हुआ करती थी पास और दूर से देखने के लिए। ठीक है, ये आपको बाबू जी दिख रहा है, हाँ, काफी दूर तक नेचुरल आर्किटेक्ट, और ये बिल्कुल अपने नजदीक के लिए एकदम नीचे करीब आ गया, किले पे चढ़ रहा है या किले पे तोड़ रहा है तो यहाँ से आप गरम तेल पानी डालेंगे तो वो किले से दूर हो जाएगा। इसी तरह सारी बाउंड्री वॉल में बनाया गया है जिससे पूरा कवर कर सकते। तो मैंने इसको इसीलिए बनाया गया था कि आमेर महल में राजाओं का रेजिडेंस हुआ करता था, यहाँ पर इनके सैनिक रहते थे। और ये वो तोप है सामने जो वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जो एक ही बार ट्रायल और टेस्ट। ये वो तोप है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनन, हाँ, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी गई जिसका एक ही बार ट्रायल और टेस्टिंग हुआ, उसके बाद दोबारा नहीं चलेगी। अच्छा, तो सबसे पहले जो अपने पास फॉर्मूले थे, ये फॉर्मूला आया था काबुल से जीत कर मान सिंह जी के द्वारा। अच्छा, वो जीत कर इस खजाने ये फॉर्मूला लाए और फिर अपने यहाँ पर एक कारखाना बनवाया। उस कारखाने में छोटी छोटी तोपें बनाना शुरू हुए, तो सबसे पहले छोटी तोपें बनाना शुरू हुई, उसके बाद में 1720 में इस तोप का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले ऊपर वाला जो नाल आप देख रहे हैं वो बनाया गया जो अष्ट धातु में बना हुआ, चांदी, निकेल, जिंक, केडियम, क्रोमियम, सभी 8 धातुओं को गलाकर इसको तैयार किया। तैयार होने के बाद इसका वजन लगभग 50 टन था, 2 हाथियों की मदद से इसको यहाँ लाए। लाने के बाद में ये जो गाड़ी है उस टाइम में लकड़ी की, लकड़ी की गाड़ी पर रखकर इसको ट्रायल किया। ट्रायल करने के लिए 50 किलोग्राम का गोला, 100 केजी गन पाउडर, 150 किलोग्राम मटेरियल डालने के बाद में बैक साइड में होल, उस होल में एक बत्ती लगाई गई जो बत्ती इतनी लंबी होती थी यहाँ से लेकर पीछे तक चली जाए, कि वहाँ पर क्या पानी को भर के रखा था कि जो भी बंदा इसको चलाए चलाने के बाद पानी के अंदर कूद जाए, जो इसकी आवाज़ है वो कानून में। तो सेम प्रोसेसिंग उसने ऐसा ही किया, आग लगाया और पानी में जम कर गया। जब ये सर यहाँ से फायर हुई तो इसकी रेंज पाई गई लगभग 22 माइल्स, 35 किलोमीटर दूर गांव है चाकसू, वहाँ जाकर इसका गोला गिरा। जहाँ पर गोला गिरा वहाँ पर गहरा खड्डा हो गया और एक लेक बन गया, इसे तोप के तालाब के नाम से जानते। और जो गाड़ी लकड़ी की थी वो धमाके के साथ ही टूट गई, और जो बंदा पानी के अंदर कूदा था अपने आप को बचाने के लिए उसके भी कान के पर्दे फट गए। इसकी जो आवाज़ थी वो इतनी तेज़ थी कि 1 किलोमीटर के रडार में जो कोई इंसान, जो कोई घर हो गया उनको ये नुकसान पहुंचा सकता था, कि आवाज़ इतना लाउडली था कि उन घरों में दरारें तक आ गई थी इसको चलने के लिए। तो इसके बाद दोबारा इसको चलवाया नहीं गया, एक ही बार ट्रायल हुआ। बाद में ये लोहे की गाड़ी बनाई गई, ये लोहे की गाड़ी बनी 18th सेंचुरी में, 1835 से लेकर 1880 तक ये वर्क हुआ लोहे का। लोहे की गाड़ी बनने के बाद इसका जो वज़न है वो 250 टन हुआ, 200 टन गाड़ी का वजन है, 50 टन नाल का वजन है।
तो ये ऑप्शन रखे गए दोबारा के लिए कि अभी कभी अपन को भविष्य में चलाना पड़ा या जरूरत पड़ा तो आगे वाले व्हील्स है वो बड़े हैं 9 फीट के, पीछे वाले व्हील्स छोटे हैं वो 4.5 फीट के, बीच में एक पिनअप दिया है वो डायरेक्शन के लिए कि स्टोव को घुमाने का काम करें जो इस पिनअप की सहायता से ये नाल घूम सके। ओके। और 4 हुक लगाए गए, 2 हुक बैक साइड में है 2 हुक आगे, तो 4 हाथियों के बल से ही एक बार में आगे पीछे होती है, क्योंकि इसका वजन हो गया था 250 टन 2,50,000 के, 4 हाथियों के बल से एक बार में आगे पीछे होती है। और इसका नाम रखा गया जेड कि राजा जयसिंह के शासनकाल में बनाई गई तो उन्हीं के नाम से इसको नाम दिया जयवंत, कि जय उनका नाम था भगवान इसको बोलते थे। तो वर्ल्ड में जो एशिया में सबसे बड़ी तोप बनी थी वो फर्स्ट टाइम यहीं बनी जयगढ़ फोर्ट के अंदर। तो ये राजा जयसिंह की सूझबूझ मानी जाती है कि बिना विद्रोह बिना लड़ाई बिना आक्रमण करे सिर्फ एक ही ट्रायल से सामने वाले के अंदर एक दहशत पैदा कर, जिससे किले के आसपास वो आएंगे तो डर रहेगा कि उनके पास ऐसा हथियार है जो किलोमीटर के सामने, इसीलिए इसका दोबारा यूज नहीं होता, एक बार ट्रायल। ये इसका बैक साइड पार्ट है, आगे इसका फ्रंट पार्ट, जहाँ से आज इसकी पूजा होती है दशहरे की, दशहरे के दिन शस्त्र पूजा करते हैं दशहरे के लिए। आज भी जब बरसात पड़ता है तो सारा पानी इस किले में आकर किले में स्टोर होने के बाद उसी पानी को प्योरीफाई करके आज भी किले की ऊंचाई समुद्र तल से नल बोरिंग कुछ लग नहीं सकता, तो राजा ने वो टेक्निक सालों साल पहले बनाई थी आज भी चालू, वो आपको वहाँ से पूरा अरावली हिल्स है जिसके बीच में ये फोर्ट बना हुआ है, चारों तरफ अरावली रेंज है जो आज भी दिल्ली तक ये कवर होती है जैसे पहाड़ों को कवर होते हुए, और वो सामने बना हुआ है जलमहल, इसके 4 मंजिल पानी के अंदर है 1 मंजिल ऊपर में, इसको यूज करते थे गर्मियों में, राजस्थान में उस जमाने में ऐसी कूलर पंखे नहीं थे, तो राजा ने ऐसा महल बनाया जो पानी के बीचों बीच बना, इसमें महल बनाकर फिर पानी भरता, कि आज भी इसके अंदर में 1 लाख पेड़ों की नर्सरी बनी है, उन पेड़ों को आज भी बाहर से देखेंगे तो कई पेड़ ऊपर तक घने दिख रहे, तो उन पेड़ों की जड़ों से ही ये महल पानी के बीचों बीच टिका हुआ है, और इसके अंदर में पेंटिंग्स वगैरह लगाई रखी है, काफ़ी खूबसूरत महल बना, बताते हैं कि आज भी इसको उधर टास्क ने बीच पे ले रखा, उनका वर्किंग चल रहा है तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक जैसे उदयपुर में बना हुआ लेक पैलेस, हाँ देखा है वो, तो वैसे ही ये भी बनाया जाएगा, पानी नहीं जाता, इसको प्रोडक्शन इस तरह किया गया कि पानी से बाहर दीवार ऐसे बनाई जिससे वो पानी टकरा कर उसके बाहर रहेगा पानी अंदर, इसी तरह यह महल कवर रहता है जिससे पूरा एसी की तरह काम करता है, इससे इस महल का नाम पड़ा जल महल पैलेस। अच्छा। और ये नहर बनी है, इस नहर में आप देख रहे हैं कैनाल, ये पूरा 5 किलोमीटर एरिया तक बना हुआ है कि नाहरगढ़ तक ये फैली हुई है, नाहरगढ़ के रोड पानी इस तरह पाता है, ऊंचाई में नाहरगढ़ है ढलान पे जगह, तो जितना भी पहाड़ी रास्ते में बरसात होगा सारा पानी इस नहर के जरिए इसके लिए आएगा, आने के बाद में यहाँ जाल लगाएगा तो मोटा कचरा होगा वो बाहर रुक जाएगा, मिट्टी वाला पानी होगा जो भी गंदा पानी होगा वो नीचे इकट्ठा कर देगा, और जो क्लीन पानी होगा उसके लिए आगे टैंक बना रहे हैं, हाँ वहाँ पे फिल्टर होके ही आता होगा स्टोरेज के हिसाब से, स्टोरेज जितना यानी कि उसकी क्षमता है 60 लाख है, 10,000 आदमी 2 साल तक उस पानी को पी सकते हैं, इतना बना वो टाँका बनाया गया, और उसी टाँके के अंदर मानसिंह फर्स्ट का खजाना रखते हैं, 1976 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब यहाँ से रेड मारी गई थी जिसमें सेवन करेंगे उसके लिए दो नॉलेज,
वहाँ पर दो नाले थे, फर्स्ट नाले में क्या होगा जितना भी गंदगी है वेस्टेज है वो इधर छोड़ दिया, क्लीन होने के बाद सामने वाला डोर खोल देंगे इधर वाला बंद कर, फिर पानी साफ पानी अंडरग्राउंड होता हुआ आगे टैंक में जाता है, वो यही है जो यहाँ पे रहते हैं वो सब यहीं कहीं वो फिल्टर हुआ पानी पीते हैं। राज परिवार की तरफ से आज भी कई लोगों उनको रोजगार यहीं से मिला है, तो उनकी जो सैलरी वगैरह आज भी राज परिवार निकालता है, और 24 इयर्स के जो करंट राजा है वो दिया कुमारी के बेटे बड़े हुए पदम नाम से, हाँ कल उनका बर्थडे भी था 25-26 के हो जाएंगे। ये है एयरफोर्स का रडार, 1971 में इस रडार को बनाया गया था जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, कि यहाँ से 700 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर पर थी जैसलमेर में, तो ये यहाँ से जयपुर सिटी को कवर रखता है, तो आज भी ये चालू है सिग्नल वगैरह चेक करने के लिए, कोई भी बाहरी व्यक्ति या लड़ाकू विमान को आता है तो उनको पहले रडार को पहले पता चलता है, रडार को पहले सामने फ्लैग लगा हुआ है, तो ये राजा की सूचना होगी। राज परिवार के घराने में आज भी एक माना जाता है कि जब राजा जयपुर में होता है जयपुर शहर में तो इसमें दो फ्लेम होते हैं, अदरवाइज सिंगल फ्लेम, राजा जयपुर में नहीं होते ओके, और जब भी होते हैं हाँ सिटी में आता था मौसम होता था राजा के टाइम, तो जितने भी छोटे छोटे होल हैं उनमें दिया जलाया जाता, दिया जलाने से ये बुर्ज जो है वो जगमगाता था, आसपास की प्रजा है उनको पता पड़ जाता है राजा के घर में उत्सव है मौसम है तो वो बधाई देने आमेर महल में आते, इस तरह इस बिल्डिंग का नाम रखा गया दिया बुर्ज। तो ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हो इससे भी डबल थी, इसको छोटा करवा दिया इन्होंने, इनकी रडार में ये प्रॉब्लम करता था इसीलिए इन्होंने इसको, अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और वो टेंपल टाइप का बीच में क्या दिख रहा है वो छोटा सा, क्या उस जमाने में क्या होता था कि जैसे सैनिक होते थे उनके जो भी कोई पूजा पाठ के लिए छोटा सा मंदिर वगैरह गेहूँ जी हनुमान जी तो ऐसे कोई मूर्ति लगाई हुई है वहाँ पे उस जमाने की, तो वो ऐसे टेम्पल सा बना, और ये पूरा पहाड़ है, ये पहाड़ इस लेवल में था, इसी को काट के तोड़ के इसी के पत्थरों से इसको बनाया गया, तभी इसको 700 सालों का वर्ष लगा पूरे फोर्ट को बनने में, 1036 से स्टार्ट होते हुए 1726 तक कंप्लीट करवाया गया, तब राजा जयसिंह का राज्य साल लगे राजा के अपने जो थे जयसिंह जी उन्हीं के नाम से इस फोर्ट को नाम दिया गया, कि उनके शासनकाल में कंप्लीट हुआ तो उन्हीं के नाम से फोर्ट को नाम रखा, स्टार्ट करो प्रोडक्शन दे सके इस फोर्ट को, बेसिकली उन्होंने प्राइवेट इसीलिए बनाया कि आज भी राजाओं के लिए जो लोग काम करते हैं उनको आज यहाँ पे जगह मिली है, सिटी पैलेस में आप जाएंगे तो वहाँ भी उन लोगों का आर्टिस्ट पैलेस है और यहाँ भी है, इस पहाड़ी के पीछे आज भी कई लोग हैं जिनका जीवन यापन इसी फोर्ट के द्वारा चलता है, कि सर उन लोगों के लिए खासियत थी, खासियतें था कि वो पहले के टाइम राजाओं के लिए काम करते थे, आज जो है यहाँ के लोगों के लिए, तो आज वो लोगों के लिए भी करते हैं और राजा के लिए भी करते हैं। नाम सुना हो सर आपने सिरके बाल का, एक पेंटिंग बनता है जो 10 ईयर्स का बच्चा है जो 10 साल की उम्र से 24 साल का हो चुका है, 30 सेकेंड में पूरी पेंटिंग बनावेगा, जो अपना सिरका बाल लाता है उसे ब्रश बनाओ, उसकी पेंटिंग ऐसी ऐसी खासियत है कि जो अंधेरे में नहीं शाइनिंग करती, तो ये सभी चीज़ें इस पहाड़ी के पीछे आज भी बनती है और इस फोर्ट में दिखाई जाती है, उन लोगों को जो सैलरी मिलती है आपने 150 रुपये का टिकट दिया उसी में उनको सैलरी मिलती है, दिखाना बताना उनका ड्यूटी होता है, सैलरी में भी 20 ग्राम के अंदर जूते को बनाना, सिर के बाल से पेंटिंग बनाना, मुल्तानी मिट्टी का जो लेप लगाकर साड़ी सूट को बनाना, ये सभी वर्क आज भी, सालों साल पहले अपने पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं थी जिससे सर्दी और गर्मी से बचा जाए, मगर आज भी वो लोग ये काम करते हैं, वो का वही हाँ वो का मंजिल जो है वो सुरंग से रास्ता कनेक्ट था, जो आमेर महल आप जाओगे वहाँ से आपको देखने को मिलेगी कनेक्टेड है ये सुरंग, सुरंग ठीक है, तो वो सुरंग नीचे निकलती है और ये ऐसे बना रखा था कि कोई देखेगा अदरवाइज आज भी तो उसको मिलेगा ही नहीं क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है, और 1976 का जब दौर आया तब यहाँ पर इमरजेंसी जब घोषित हुई थी तब इस खजाने को तलाशा गया, तलाशने के बाद इस खजाने को बाहर तो निकाला गया मगर डिक्लेयर नहीं किया गया, कि बताया गया कि खजाना मिला ही नहीं, तलाशा लिखा हुआ है ये इसमें हाँ, और बताते हैं कि 60 ट्रक सोना निकला था जो डिक्लेयर नहीं हुआ, तो पहला टैंक आपका ये हो गया, दूसरा टैंक वो हो गया हाँ। जो जानवरों के काम में होता था, जो भी अश्वबल होते थे हाथी घोड़े वगैरह उनको पीने के काम में लिया था, तीसरा टैंक ये हो गया जो नहाने धोने के काम में, 1727 में जयपुर सिटी का जब निर्माण किया तब यहाँ से खजाना निकाल कर जयपुर को बचाया गया राजा जयसिंह के द्वारा, अच्छा काबुल और गंदार का जो भी खजाना जीत के ये इस टैंक में रखा जाता था, उसमें मानसिंह भी अपना खजाना इस टैंक में,
तो दोनों टैंकों में ऐसे रखा गया सिस्टम, इसके जो रूम है पानी के ऊपर छोड़े गए, इसके जो रूम है वो अंडरग्राउंड छोड़े गए। अच्छा वो ठीक है। और ये सोल्जर्स के रूम है, ये छोटे 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 जितने भी सैनिक यहाँ 13,000 रहते थे उनके लिए रूम्स अवेलेबल थे। तो अब जो यहाँ के वर्कर हैं वो इन जो काम करते हैं उन लोगों को ये रूम दे रखे हैं, तो राज परिवार की तरफ से उनको सैलरी वगैरह मिलती है और पानी की व्यवस्था इस टैंक से हो जाती है। सामने वाली सीमेंट टंकी में इसी टैंक का पानी जाता है, पाइपिंग के द्वारा खींच कर उसमें पानी डालते हैं। ऐसे कई रूम बने हुए हैं चारों तरफ जो राजाओं के टाइम में सोल्जर्स के थे, आज यही रूम गार्ड्स के हैं, वर्कर्स के हैं जो यहाँ काम करते हैं। ये भी सेंचुरी की पिस्टल है, पॉइंट्री है, और इनके पास में तलवारें हैं छोटी अंग्रेजी शासनकाल के टाइम की, और ये गाड़ियाँ हैं, इनसे भारी सामान जो भी ऊंचाई पर घूमता है, जो भी भारी सामान होता है इन गाड़ियों से उठते हैं, और ये छोटी छोटी तोप्स हैं जिनसे फायरिंग होती है। अच्छा, तो ये कंधे भी रखकर चला जाते हैं, पहले ये भी तोपें बनी थी, बाद में बड़ी तोप बनी। अच्छा, शुरुआत में ये मेरी छोटी बात के अंदर अलग इसमें साउंड निकलता था, इस साउंड से सेना को इकट्ठा करते थे, उस साउंड से सेना विजय हुए। अच्छा, विजय होने के बाद ये वाला बजा के सेना इकट्ठा करते। ओके, ये बदली नाम है इस तोप का। हाँ, तो इसको पानी में ये भी सोक्त हो जाता था, और ये इसकी बेल्ट है जो इस पर चढ़ाई जाती है, फिर ये धनुष बन जाता था, उससे जितना आप खींचोगे रबड़ की तरह ये वो तीर नीचे, ये अलग अलग टाइप के तीर है, तो ये अलग अलग जैसे कोई कम नुकीला है, कोई बड़ा है, कोई कैसा है, तो इसमें पॉइजन में डुबो कर फिर चलाते थे कि आगे कैसा नुकीला है शरीर में जहाँ लगेगा जहर फैल जाएगा, इससे नहीं मरेगा तो फिर जहर से वो गर्दन कूड़ा है, और ये लेदर के घोड़ों के ऊपर जब राजा और या फिर सैनिक बैठते थे तो ये चला करते थे, घोड़ों पर लेकर चलते थे, उसमें ये तलवार बंदूकें होती थी, नीचे 1758 में बनाई हुई तोप है सिंह मार, उसका नाम ये सवाई जय सिंह के द्वारा बना, जय सिंह सेकंड। इस तोप का है प्राचीन तो नाम, 6 गोले निकलते थे छोटी छोटे, 6 गोले थे, ये आपका दस्ताना है जो लोहे में बना हुआ है, हाथ को कवर रखता था। हाँ, ये पूरा फेस कवर है, गर्दन से लेकर आगे और पीछे हिस्से को कवर रखता था, जैसे कोई कट लगे तो इससे बचा जाता। तलवारें नॉर्मल साइज से बड़ी है ना ये? ये अलग अलग शेप में बनी हुई है। हाँ, ये नागे इसके आगे पार्ट से 6 गोले बने छोटे छोटे छोटे। ये तलवार है दोधारी तलवार जिसमें दोनों तरफ धार होता है, नॉर्मली तलवार में एक तरफ धार होता है, इसमें दोनों तरफ। हाँ, बीच वाली तलवार है जिससे बलि दी जाती थी राजाओं के टाइम में, बलि वगैरह देने के लिए ये तलवार काम करती है, और अलग शहर में ये अलग अलग तलवार है। ये बड़ी वाली तोप का गोला है, आप लोग ऊपर से देख लिया की तोप। हाँ, उसका ही गोला है, इसका वजन है 50। इसको चलाने के लिए 100 किलो बालू की आवश्यकता होती है, तभी अलग अलग टाइप के अलग अलग गोले हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने भी गोले हैं उन सभी के ये अलग अलग टाइप के तीर जो
वो आँखों को उड़ने के लिए, एक गर्दन को उड़ाने के लिए अलग अलग शेप होते हैं। और ये क्लीनिंग के सामान कि तोप की नाल, बंदूक वगैरह सभी सामान जो होते थे ये क्लीन करने के लिए उनका काम है। तो उनसे साफ कर करके तोप को क्लीन करते हैं। इधर में हवाई रॉकेट है जिसको आग लगाकर हवा में फेंकते थे, जमीन से टच होने के बाद ब्लास्ट हो जाता। नीचे रखा हुआ टाइम बॉम्ब है जिसके अंदर में मिट्टी के साँचों में बारूद भरकर बत्ती दी हुई है, जितनी बत्ती लंबी होगी उतना टाइम लगेगा। और ये पोटाश है जिससे बारूद बनता है, ये छोटा छोटा बारीक पत्थर पीस के इसी से बारूद बनाए। तो ये यहाँ पर मंदिर है पीछे की साइड में, ये रहा काल भैरवी का 1000 साल पुराना मंदिर है। तो वो देखने जा रहे हैं अभी, फिर खोल देते हैं। और अभी तक उन्होंने हमको आर्मरी दिखाई, और अभी तक हमारे को जो गाइड है ना उसने तो सबसे बड़ी तोप दिखाई जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, उसकी मारक क्षमता 35 किलोमीटर दूर थी। उसका गोला भी दिखाया, 50 किलो का गोला था। वो सब आर्मरी देखी अपन ने, और अपन को उन्होंने पानी की वो टंकी भी बताई जहाँ पानी को रखते हैं, आज भी पानी यूज़ होता है। उसके नीचे खजाना था जो इंदिरा गांधी के टाइम पर उन्होंने लाखी ली थी, ये सब बताया। ये दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे और जयगढ़ में क्या एक्सप्लोर करने का है। टाइम में फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं थी अपने, ये हैंडमेड है सारी। हाँ, ये पेंटिंग्स दर्शाई हुई है, इन पेंटिंगों में ये दर्शाया हुआ है कि उस टाइम में लड़ाई वगैरह जो होती थी जैसे दृश्य दिया हुआ। शासनकाल के दौरान इनका राज्यकाल था, वो उनकी सेना में हजारीगढ़ की वर्दी में। और ये पेंटिंग इस तरह बनाई गई है कि जिस एंगल से आप देखोगे नज़र आपकी तरफ घूम जाएगी, इधर देखो इधर घूमते हैं, इधर आओ इधर घूमते हैं। हाँ पेंटिंग ऐसी नहीं, ये नहीं, वो जरूर है, ये आंखों में आता है, वो आंखों में दिक्कत हो गई। और ये 1940 के फोटोग्राफ्स मानसिंह जी के टाइम में जो परेड वगैरह हुई थी। हाँ, ये आमेर का रास्ता है जो पीछे से आ रहा है इधर से, तो इसी रास्ते से पहले हर चीज़ें आती थी, ये पांच स्टेट जीता थे, यानी जीते थे उन्होंने, जैसे काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, जो भी पांच स्टेट थे उनके ये करार से। और ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान के फोटोग्राफ्स हैं मानसिंह जी सेटिंग, जिसमें जनरल थे जिन्होंने निरीक्षण करते हुए मिस्र में युद्ध काल की सारी फोटोग्राफ्स। और ये अंग्रेजी शासनकाल के टाइम के चीफ जनरल थे उनके साथ में मानसिंह जी सेकंड। और ये बीकानेर के राजा सादुल सिंह, ये लॉर्ड माउंटबेटन, और ये मानसिंह जी, और ये इनकी वाइफ गायत्री देवी। और इधर में इंडिया के राजनेता थे उस टाइम के, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, उन सभी के साथ में फोटोग्राफ्स। ये इंदिरा गांधी, इनके ये बच्चे थे भवानी सिंह। सन 1931 का जन्म इनका, 2011 में ये भी खत्म हो चुके हैं। तो मानसिंह जी के
में सबसे बड़ा बेटा इन्होंने गोरो राजा का, और ये भी आर्मी ज्वाइन करके सन 1971 की लड़ाई लड़ी। ये भी ब्रिगेडियर थे आर्मी के अंदर, ये इनके आर्मी के फोटोग्राफ भवानी सिंह। अच्छा, राष्ट्रपति दिल्ली परेड का लगता है। ये है सैन मनुष्या। हाँ, और ये हैदराबाद की राजकुमारी शारदा, वो एलिजाबेथ, उनके हस्बैंड मान सिंह जी एंड भवानी सिंह जी, नीचे लेडी डायना और चार्ल्स। हाँ, और ये जानवरों की पूजा करते हुए भवानी सिंह जी, दिवाली के टाइम ये जानवरों की पूजा होती है जो आज भी करते हैं, जिसमें हाथी बैल और घोड़ों की पूजा होती है। तो गाइस ये था पूरा जयगढ़ किले का ब्लॉग, और इधर की साइड से एक आमेर का वे है, यहाँ से खाली 2 किलोमीटर में आमेर के किले में पहुँच सकते हैं। अगर जो पुराना वे है उस टाइम पे बनाया गया था, लेकिन जो एयरफोर्स के टाइम उन्होंने बनाया, वो यहाँ से कार के लिए जो वे है वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है आमेर का किला, तो अपन उसी वे से जाएंगे कार के लिए। बाकी यहाँ से अगर कोई वॉकिंग डिस्टेंस भी जाता है तो यहाँ से 2 किलोमीटर का वे ही है। ये था पूरा ब्लॉग, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।